नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति का। आइए रुख करते हैं खबर की ओर। APS इंटरनेशनल स्कूल खागा से कक्षा 11 का छात्र अरमान शूटिंग बाल चैंपियनशिप में राष्ट्रीय स्तर पर हुआ चयनित। खागा फतेहपुर में आपको बताते चले कि खागा नगर के अभय प्रताप सिंह इंटरनेशनल स्कूल के लिए बड़े ही हर्ष और गौरव की बात है कि अरमान खान पुत्र सरफराज खान 11वीं का कक्षा का छात्र शूटिंग बाल चैंपियनशिप में राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होकर बिहार प्रांत के गया जिले में खेलने गया है। इसका श्रेय विद्यालय के खेल कोच श्री संदीप पांडे जी को जाता है, जिन्होंने विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री राज श्रीवास्तव जी के कुशल मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में बच्चों को इस तरह से तैयार किया कि राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में जीत की सीधे राष्ट्रीय स्तर पर चयनित कराया। इस मौके पर प्रधानाचार्य श्री राज श्रीवास्तव ने अरमान खान को तिलक लगाकर मुंह मीठा करवाकर बच्चे को जीत की अग्रिम बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी तथा विद्यालयों को दिनों दिन एकेडमिक के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी उच्च स्थान पर ले जाने का भरोसा दिलाया। फतेहपुर जनपद में राष्ट्रीय स्तर पर केवल अरमान खान ही चयनित हुआ है, यह केवल विद्यालय परिवार ही नहीं बल्कि पूरे जनपद के लिए गौरव की बात है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं प्रिंसिपल राज श्रीवास्तव तथा खेल कोच पांडे जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार पांडे है। आप APS इंटरनेशनल विद्यालय में कोच के पद पर निर्धारित हैं, तो आप के शिक्षण कार्य में अरमान खान ने अच्छा स्थान ग्रहण किया है जी। नेशनल के लिए उसका चयन हुआ है जी। गया डिस्ट्रिक्ट बिहार स्टेट पे हो रहा है जी। और यह श्रेय हमारे प्रिंसिपल सर और हमारे मैनेजर सर के ऊपर जाता है, क्योंकि उन्होंने मौका दिया बच्चों को खेलने जाने के लिए बाहर। जो सहारनपुर में टीम गई और गाजीपुर को हराया, पूरी UP की टीम जो जा रही है उसमें केवल फतेहपुर के एक बच्चे का ही सिलेक्शन हुआ, जो हमारे कॉलेज का है अरमान खान। आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, और मेरा प्रयास ये भी है कि ये बच्चा नेशनल से वहाँ भी चयनित हो और इंटरनेशनल के लिए भी प्रतिभाग करे। क्या ऐसा भी हो सकता है कि आज तो पहली बार ये एक ही बच्चा जा रहा है, भविष्य में आने वाले समय में आपके विद्यालय से? ऐसा हमारा प्रयास है कि हर चीज़, चाहे शिक्षा हो, चाहे खेल हो, एडमिटर किसी भी चीज़ में, सभी में उनका प्रयास ये होता है कि हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करें और आगे जाएं। थैंक्स सर। आपका शुभ परिचय जानना चाहूँगा। मैं अभय प्रताप सिंह इंटरनेशनल स्कूल खागा का प्रिंसिपल हूँ। ये बच्चा अरमान खान, जो कि अरमान खान कक्षा 11 में पढ़ता है, ये विश्व चैंपियनशिप नेशनल खेलने जा रहा है शूटिंग बॉल का, और ये हमारे कोच हैं। सर के मार्गदर्शन में विद्यालय ने राज्य स्तरीय टूर्नामेंट भी जीता है, जो कि गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट को हराया है जी। ये बच्चा वहीं की खेल के अकॉर्डिंग बच्चा नेशनल में चयनित हुआ है, और मेरी बेस्ट विशेष है कि बच्चा नेशनल जीत के है। आपके विद्यालय का ये अरमान खान नेशनल में जा रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये बहुत ही गौरव और गर्व की बात है, ना कि सिर्फ इस APS की बात है, ये पूरे खागा फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट की बात है कि फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट को लीड कर रहा है APS इस समय, क्योंकि फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत से स्कूल आते हैं लेकिन APS के बच्चे का ही सिलेक्शन हुआ, और ये बड़ी गौरव खुशी की बात है। इसका सारा क्रेडिट मैं अपने कोच सर को देना चाहूँगा। सर, इसके साथ साथ बच्चे के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगे? पूरी APS फैमिली की तरफ से बच्चे और इसके फैमिली को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दूंगा कि बच्चा नाम कमा के आए और एकेडमी के साथ साथ स्पोर्ट में भी अपना करियर बनाए। थैंक्स। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरमान खान है। कौन से विद्यालय में आप पढ़ते हैं? मेरा विद्यालय APS इंटरनेशनल स्कूल खागा फतेहपुर। मैं यहाँ कक्षा 11 का छात्र हूँ जी, मैथ से, और इस स्कूल में मुझे पढ़ते पूरे 5 साल हो चुके हैं अभी तक जी। काहे में सिलेक्शन हुआ है आपका? कहाँ? मेरा सिलेक्शन हुआ है नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप, जो कि गया डिस्ट्रिक्ट बिहार में हो रहा है इस समय। कब जाना है आपको? हाँ, हमें आज निकलना है और कल हमारे वहाँ मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। आज आप इस नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में आपका सिलेक्शन हुआ है, कैसा महसूस हो रहा है? जी, सबसे पहले तो मुझे अपने ऊपर थोड़ा सा प्राउड, अपने स्कूल को कराने में अच्छा लगा और अपने पेरेंट्स को खुश करने में ज़्यादा अच्छा लगा। आप इस चैंपियनशिप में पहुंचने के लिए आपका श्रेय किसको देंगे? किसने आपको इस इतना सिखाया?
वो उसका श्रेय हम अपने कोच सर को देंगे। क्या नाम है कोच सर? कोच सर और अपने प्रिंसिपल को जिन्होंने हमको इतना वो किया। ठीक, थैंक्स। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए क्राइम 24 आवर्स के साथ।